So integration as said is a reverse process of differentiation. Reverse कहने का मतलब है कि if you know the differentiation, you know the integration. Means for example, if integration of x, if suppose differentiation of x to the power n is nx to the power n minus 1. X to the power n को differentiate किया तो nx to the power n minus 1 आ रहा है. That means, if you integrate this, integrate करने के लिए we write it like this. Integration of n x to the power n minus 1. इसको बोलते हैं integration sign. ये जो स्नेक जैसा दिख रहा है दैट इज इंटीग्रेशन साइन विथ dx. dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आया, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस, इट विल बी x टू द पावर n, जस्ट द रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, सो ऐसे जितने भी फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएशन पता है उनका इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं. So, अच्छा यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया है तो पावर एक बढ़ गया है और बढ़े हुए पावर से डिवाइड किया गया है. कैन से इट लाइक दैट, एक्स रेस टू एन माइनस वन में वी इंक्रीज द पावर बाय वन और जो इंक्रीज पावर था एन उससे डिवाइड किया, सो ये एन और एन कैंसल आउट हो गया. दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अस एक्स रेस टू एन. So I can write integration of polynomial function x raised to n dx is equal to power को 1 से increase करना है और increased power से divide करना है. This will be the integration of x raised to n. To prove it, means अगर मैं इसका differentiation करता हूँ x raised to n plus 1 by n plus 1 का, तो ये तो कांस्टेंट है 1 बाई एन प्लस 1, तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के. सो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1. अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करते टाइम पावर को आगे करते हैं, सो एन प्लस 1 एन प्लस 1 और पावर को एक कम किया तो एक्स रेस टू एन आ गया. सो दिस इज एक्स रेस टू एन. सो एक्स रेस टू एन को इंटीग्रेट किया देन वी गेट एक्स रेस टू एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1. And इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट दी एक्स वैल्यू एक्स रेस टू एन. ओके, अच्छा हमारे फंक्शन के साथ अगर कोई कॉन्स्टेंट हो, मीन्स सपोज यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2. ठीक है, और सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता 2x और ये 3 की वैल्यू डिफरेंशिएट होके 0 हो जाती. एंड इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट 2x तो 2 को बाहर रख लेंगे, पहले कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं एंड उसके बाद पावर को एक इंक्रीज करना है और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड करना है. सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, सो 2 2 कैंसिल, व्हाट वी गेट हियर इज एक्स स्क्वायर. बट ये 3 जो वैल्यू थी वो हमें पता नहीं चल रही इंटीग्रेशन में, दैट इज लॉस्ट. सो दैट इज वाई यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के टाइम एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं प्लस सी, प्लस सी. सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, वी डोंट नो, क्योंकि ये 3 डिफरेंशिएट करते टाइम लॉस्ट हो गया. सो टू कॉम्पेंसेट फॉर इट वी राइट अ कॉन्स्टेंट प्लस सी. सो इंटीग्रेशन करते टाइम हम एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं प्लस सी.
every time when we integrate, we write a constant plus c. So basically integration हम find out करते हैं कि इस function को किस function को differentiate किया गया तो ये result आ रहा है. जैसे differentiation में sum rule valid था, वैसे यहाँ पे भी sum rule valid रहेगा. और constant से multiplication को constant को बाहर कर देते थे, यहाँ पे भी constant को बाहर कर सकते हैं. निर्भित tell me the integration of x cube. X raised to 4 divided by 4 plus c. X raised to 4 divided by 4 plus c. Correct. Then what is integration of this? X raised to 4 divided by 4 plus x cube plus divided by 3 plus x square divided by x plus c. X square divided by 2 plus c. Nirbhin, aage ke DPP solve kiye hain? 1 ke baad? 2 or 3 kiye hain. 2 or 3 kiye hain, okay. और डाउट्स आ रहे हैं उसमें? हाँ सर. ओके, अभी क्लास के एंड में डाउट्स डिस्कस करेंगे. भारवी टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ दिस रूट x प्लस 1 का स्क्वायर. इंटीग्रेशन क्या आएगा? x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c. प्लस c नहीं बोल रहे. नेक्स्ट 1 बाय x क्यूब पर माइनस 1 बाय 2 x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 x स्क्वायर करेक्ट प्लस c प्लस c देन दिस वन 2 रूट x प्लस 2 x रेस टू 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 2 x रेस टू 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c. बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया. ओके, आई विल जस्ट राइट इट. ऐसा लिखा है क्या? 2 बाय 5 मैच कर रहे. सो पॉलीनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं. एंड आफ्टर दिस अच्छा एक और फंक्शन वी नो कि log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आती है 1 बाई x. सो 1 बाई x को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू विल बी ln x. इसको ध्यान में रखना है. तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे n की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती. n cannot be equal to minus 1. जब n minus 1 होता है means power is 1 by power is minus 1. So इसको integrate करेंगे तो value आती है ln x. And another thing that you have to remember, अगर मैं simply x को differentiate करता हूँ तो result आता है 1. तो integration of dx इसको लिख सकते हैं integration of 1 dx. That is equal to only x plus c. Then find the integration of this. Vaishnavi, tell me the answer for this. And Nirmit, Vaishnavi, turn on your cameras. X plus 2 upon x square plus 3 upon x two plus 4 upon x4. X plus 1 by x ka integration kya hoga? 2 upon x square. नहीं, x का पावर माइनस 1 है ना यहाँ पे. सो दिस विल बी द केस ना. 1 बाय x का इंटीग्रेशन इज ln x. यहाँ पे पावर माइनस 2 है. सो इंटीग्रेशन विल बी माइनस 1 बाय x. पावर यहाँ पे माइनस 2 है. सो पावर को इंक्रीज किया, x टू द पावर माइनस 1 आया एंड इंक्रीज पावर इज माइनस 1 तो माइनस 1 से डिवाइड किया. इज इट क्लियर? हेलो यहाँ पे x टू द पावर माइनस 3 है. सो पावर इंक्रीज करेंगे तो x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा.
x to the power minus 2 is 1 by x square, then minus 2 से डिवाइड करेंगे, सो माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर. ओके या ओके. सो दिस वाज फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन. अगर सपोज यू हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो पता है कॉस एक्स होता है. So that means cos x को इंटीग्रेट कर रहे, so answer will be sin x plus c. Similarly, differentiation of cos x is minus sin x, so integration of sin x it will be minus cos x. Then differentiation of tan x, then integration of this, then differentiation of cot x. In sare cases mein agar differentiation yaad kar liya to integration bhi yaad hai. Sec x ka differentiation sec x tan x hai. Yeah. Vaishnavi, tell me the answer for this one. Sin x minus 4 cos x. Sin x plus 4 sin x. Sin x ka integration kitna hota hai? Cos x. Nahin, minus cos x. Cos x ka differentiation minus sin x hota hai. To sin x ka integration minus cos x hota. So यहाँ पे आप माइनस कॉस एक्स लिखेंगे. देन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा. सो यहाँ पे अगेन माइनस फोर साइन एक्स प्लस सी. देन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स? यहाँ पे मुझे या माइनस साइन लिखना चाहिए. माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स, करेक्ट इट हियर, माइनस कोसेक एक्स, बिकॉज कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स. माइनस कोसेक एक्स 5. देन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स? प्लस 7 कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू कॉट एक्स. Plus 7 cosec square x ka integration is minus cot x, so plus 7 cot x. Or 1 by x ka integration is ln x. Then what is integration of sec x into tan x? 1 sec x plus c plus tan x plus sec x square x ka tan x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x. अच्छा, तीनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, c1 c2 c3. कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे तो एक सिंगल कॉन्स्टेंट आ जाएगा. सो प्लस c, एक ही कॉन्स्टेंट लिखने की जरूरत है, अलग अलग कॉन्स्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है. 1 का इंटीग्रेशन इज x. बिकॉज वन क्या होता है, वन इज एक्स टू दी पावर 0. तो इंटीग्रेट किया तो एक पावर बढ़ाया, और बढ़ाया पावर से डिवाइड किया तो दैट इज गिविंग मी एक्स. ओके वैष्णवी निर्मित, अगेन यू हैव टर्न्ड ऑफ योर कैमरा. सो माय वाईफाई इज वेरी अनस्टेबल. व्हाट अबाउट यू निर्मित? अच्छा, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन था. सेइंग समथिंग? हाँ सर, चार्जर लेने गया था. ओके ठीक है, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं.
एंड इसके बाद देर इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम सी की वैल्यू लिखते हैं सी, वी डोंट वरी अबाउट द वैल्यू ऑफ सी, बट इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन शो यू बाय एग्जांपल, सपोज आई हैव टू इंटीग्रेट लेट अस से कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू. So first we'll do is, here is integrate कर देंगे, integration आ जाएगा cos x का sin x, upper limit 0, upper limit pi by 2, lower limit 0. ये लिखने के बाद then we put the upper limit first, then negative sign minus the lower limit. यहाँ पे constant नहीं लिखते, because constant लिखेंगे भी तो plus c minus c cancel out हो जाएगा, है ना, साइन पाई बाई टू यहाँ पे प्लस सी कैंसिल आउट हो जाए, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लिखते, सो वन माइनस जीरो इज वन, इट्स गिविंग मी द वैल्यू वन. इसको इसको लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया, इट्स गिविंग यू एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, सो वी कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी दैट इज अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन होता है एंड देन वी कैन डू दिस इंटीग्रेशन. सपोज यू हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 4. And let us say ln 2 की वैल्यू भी गिवन है 0.693. सो टेल मी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, पहले इंटीग्रेट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अगर ये लिमिट्स दिया होते हैं 4 और 2, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट. पहले अपर लिमिट इंटीग्रेट करने के बाद पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस साइन के साथ. सो 1 बाय इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन इज ln x, दिस विल बी ln 4 माइनस ln 2. ln 4 को लिख सकते हैं ln 2 का स्क्वायर, ln 2 का स्क्वायर दैट इज 2 ln 2. So 2 ln2 minus ln2, that is just ln2. So value is 0.693. So log की properties भी use की जो हमने कल पढ़ी थी, ln2 का square is 2 ln2. Okay, any doubt? ठीक है, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं एंड डू सम मोर एग्जांपल. सर या ln2 की वैल्यू 0.3010 होती है ना? नहीं, वो log2 की वैल्यू होती है जब बेस 10 होता है. log 2 होता है 0.3013, 10 जब बेस 10 होता है, तो इसका मतलब कि 10 का पावर 0.3010 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका मतलब हुआ कि e का पावर 0.693 करेंगे तब 2 आ जाएगा. फॉर द फिफ्थ वन यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी, 1 प्लस cos x इज 2 cos square x by 2. उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले सिंप्लीफाई करना होगा. निर्मित फर्स्ट वाला हो गया? हाँ सर. कितना आ रहा है? 3. 3 करेक्ट है. सेकंड वाला नहीं हुआ.
सी फोर को बाहर कर दिया तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है? सेक्स sec x. सो अपर लिमिट रखा पाई बाय फोर, लोअर लिमिट रखा माइनस पाई बाय फोर. सो फोर अपर लिमिट है sec ऑफ पाई बाय फोर माइनस साइन sec ऑफ माइनस पाई बाय फोर. sec ऑफ पाई बाय फोर कितना होगा? रूट टू रूट टू. और sec ऑफ माइनस पाई बाय फोर? माइनस टू माइनस पाई बाय फोर कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट ना. फोर्थ क्वाड्रेंट में sec थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव. तो प्लस रूट टू ही आएगा फिर. तो रूट टू माइनस रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा. ठीक है ठीक है. और इसको सिंपलीफाई करें अगर तो ये आ जाएगा रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू. अच्छा एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स बाई टू है. तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम एक नया रूल सीखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सो वी हैव टू लर्न इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नाउ, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स बाई टू है. सो वी हैव टू डू लेट लर्न सम मोर रूल्स. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट कॉस ऑफ 3x. कॉस ऑफ 3x को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. सो द ट्रिक वी यूज हियर कि 3x को कुछ थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अस से यू. तो मुझे यहाँ पे 3x की जगह यू लिखना पड़ेगा, बट dx की जगह आई हैव टू राइट समथिंग लाइक du, बट du यहाँ पे नहीं है. सो वॉट आई कैन डू, आई कैन राइट du बाई dx, बिकॉज u की वैल्यू 3x है. सो du बाई dx विल बी 3. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट dx इज इक्वल टू du बाई 3. सो 3x को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो 3x को कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया u. देन आई हैव टू फाइंड dx इन टर्म्स ऑफ du. सो du बाई dx फाइंड आउट कर लिया. सो dx इज गिविंग यू du बाई 3. सो dx की जगह हम पुट कर देंगे du बाई 3. यहाँ पे 1/3 बाहर आ जाएगा. दिस इज गिविंग मी cos u du. अब u को du के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंपली इट विल बी साइन यू. दिस विल गिव यू साइन यू. कॉस यू का इंटीग्रेशन इज साइन यू बाई 3 + c. अभी हमारे क्वेश्चन में यू नहीं दिया हुआ था, एक्स दिया हुआ था. सो अगेन आई कैन रिप्लेस यू विद एक्स. सो साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 + c. ये वाला थ्री कैंसल आउट कर सकते हैं? नो. ओके ये वाला तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये बाहर है. सो यहां पे मेथड यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर समझ में आएगा. सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट साइन ऑफ 4x और लेट अस से साइन ऑफ 4x ही लेते हैं, 4x + 1 ले लेते हैं, साइन ऑफ 4x + 1. तो इसमें 4x + 1 को u लेना पड़ेगा, बिकॉज 4x + 1 कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन 4x + 1 डायरेक्टली नहीं कर सकते. सो 4x1
फोर एक्स प्लस वन को यू ले लियो, सो फ्रॉम हियर डी यू बाई डी एक्स इट विल बी फोर, सो यू विल गेट योर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई फोर. आई पुट इट हियर, साइन तो साइन ही रहेगा, फोर एक्स प्लस वन की जगह यू आ जाएगा, डी एक्स की जगह आ जाएगा डी यू बाई फोर, सो दिस विल गेट यू वन बाई फोर साइन यू डी यू. साइन यू को इंटीग्रेट कर सकते हैं डी यू के रेस्पेक्ट में, दिस विल गिव यू माइनस कॉस यू. सो अगेन यू इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन बाई फोर प्लस सी, लाइक दिस. मेथड को समझना है, जो फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट कॉस एक्स बाई टू, टू द इंटीग्रेशन टेल मी द रिजल्ट. एक्स बाई टू को यू ले लेना है, सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं. भार्वी टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस वन, कॉस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन. 2 sin x by 2 plus c, correct. Next वाला ये हो गया. हाँ, tan 4x minus 3 by 4 plus c. Yeah, tan 4x minus 3 by 4 plus c. And this one? नहीं आ रही वाला. Okay, यहाँ पे भी same करना है. U is equal to x square ले लेना. So du by dx आ जाएगा 2x. So dx को लिख सकते हैं du by 2x. So x into cos x square को u लिख दिया and dx को लिख दिया du by 2x. So this will cancel out my x and x. So that is simply integration of cos u du. That is sin u by 2. So, इसका integration आ जाएगा sin of x square by 2. So, once you have noted this, you can do this integration. Cos x by 2 and put the upper limit and lower limit and then tell me the final answer. 4. कितना आ रहा? 4. 4 is correct. So like this, we can do integration by substitution. Sir, 4 kaise aaya? 4 kaise aaya? Toh 2 root 2 toh yahan pehle se tha. So sin pi by 2. Pi by 2 ka half kar denge toh sin pi by 4 aa jayega. So sin pi by 4 minus sin minus pi by 4. Sin pi by 4 hoga 1 by root 2. और ये आ जाएगा माइनस वन बाई रूट टू. सो वन बाई रूट टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू इज टू बाई रूट. बट वो साइन एक्स बाई टू कैसे आया? यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू को यू लिया था, ठीक है. अभी तो इंटीग्रेशन किया है इसका, यहाँ पे दिस इज कॉस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू. सो टू साइन एक्स बाई टू. अंडरस्टूड? यस सर. ओके, सो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. But what is the meaning of integration? That's what we are going to learn about next. So integration ko aise likhte hain, integration of fx dx. So take any function, koi bhi function lete hain, and what we are going to do, we're going to mark 2 points on this. So
सो इसका मतलब यू आर डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ए फ्रॉम ए टू बी. अच्छा, सपोज यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ दिस रीजन. सो व्हाट वी कैन डू, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. सो किसी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आई कैन, आई नो द वैल्यू ऑफ वाई. फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर दिस इज सपोज एक्स वन, सो आई नो द वैल्यू ऑफ वाई वन बिकॉज फंक्शन इज नोन. फंक्शन इज नोन, दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो वॉट वी कैन डू हियर, वी कैन टेक अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप. इस स्मॉल स्ट्रिप, अगर ये पॉइंट एक्स वन है, सो आई कैन राइट दिस विथ, लेट अस टेक दिस विथ हैज वेरी स्मॉल विथ डी एक्स. ये वाला पॉइंट एक्स वन है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स वन प्लस डी एक्स. सो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप लिखा जाए, अगर एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एरिया ऑफ सिंगल स्ट्रिप और एरिया ऑफ स्ट्रिप वन, दैट इज इसका हाइट कितना हो जाएगा, दैट इज वाई वन, और विड्थ कितना हो जाएगा, दैट इज डी एक्स. ओके, बिकॉज डी एक्स विड्थ का ही स्ट्रिप लिया था. इसी तरह कोई और एरिया लेते हैं, लेट अस से एट एक्स टू, यहां पे वाई की वैल्यू होगी वाई टू, और अगेन विड्थ उतना ही लेंगे डी एक्स, विड्थ को कांस्टेंट रखते हैं. डीएक्स क्या है, बहुत ही स्मॉल चेंज इन एक्स. सो आई कैन राइट एरिया ऑफ स्ट्रिप टू इज इक्वल टू वाई टू इंटू डीएक्स. ऐसे और सारे स्ट्रिप्स बना सकते हैं पतले पतले, ऑल दो स्ट्रिप्स विल हैव डी द वैल्यू डीएक्स, और वाई की वैल्यू विल बी, जो इनकी हाइट होगी दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट. सो इफ यू वॉन्ट टू राइट द टोटल एरिया, देन आई कैन राइट द टोटल एरिया लाइक दिस. टोटल एरिया विल बी एरिया ऑफ स्ट्रिप वन प्लस एरिया ऑफ स्ट्रिप टू लाइक दिस अप टू एरिया ऑफ द एनथ स्ट्रिप. सो दिस वन विल बी वाई वन डी एक्स प्लस वाई टू डी एक्स से लेकर y in dx. This will give you the total area. अच्छा, because we cannot add all these values, or there is a shortcut to adding all these values, and that shortcut is known as integration. That shortcut is known as integration. So, सारे वाई की वैल्यूज को ऐड करना इज बेसिकली इंटीग्रेटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल गिव यू द टोटल एरिया. एडिंग अप ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दैट इज गिविंग अप द टोटल एरिया फ्रॉम ए टू बी. सो इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन इज बेसिकली गिविंग यू द एरिया अंडर द ग्राफ. इट इज गिविंग यू द एरिया अंडर द ग्राफ. सो डिफरेंशिएशन से मिलता है स्लोप ऑफ द ग्राफ ग्राफ, बट इंटीग्रेशन से यू गेट एरिया अंडर द ग्राफ. एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दे सिग्निफाई द बाउंड्री. सो देर आर फोर बाउंड्रीज. फर्स्ट बाउंड्री इज योर एक्स एक्सिस, सेकेंड बाउंड्री इज योर फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन का ग्राफ जो है, थर्ड बाउंड्री एंड फोर्थ बाउंड्री आर द लिमिट्स. लोअर लिमिट मीन्स लेफ्ट वाला लिमिट, एंड अपर लिमिट मीन्स राइट वाला लिमिट. सो दिस एरिया इज बाउंडेड बाई, एरिया बाउंडेड बाई फर्स्ट इज द एक्स एक्सिस, और फर्स्ट थिंग इज द ग्राफ इटसेल्फ. ग्राफ जो फंक्शन से बना है, ग्राफ और फंक्शन. सेकेंड बाउंड है, दैट इज योर एक्स एक्सिस. थर्ड बाउंड इज योर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और
the line x is equal to a, and then is your upper limit. Upper limit इसको हम बोल सकते हैं x is equal to b. इन चारों lines और curves से जो area bounded है, that is given by this integration. So integration gives area under the graph. Integration gives area under the graph. ये याद रखना है, integration gives area under the graph. Or we can take an example first and then I'll give you time to write this. So suppose a graph hai, y is equal to x squared. प्लस पैराबोला है, ये पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो बड़ा सिंपल सा पैराबोला होता है. एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई वन है, तो द पैराबोला इज लाइक दिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, योर वाई एक्सिस. लेट अस से यू वांट टू फाइंड एरिया फ्रॉम द वैल्यू माइनस वन टू दी वैल्यू टू, है ना. मीन्स एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला, फ्रॉम माइनस वन टू प्लस टू. तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता चल गया एंड ये जो एरिया होगा दैट वैल्यू वी कैन राइट इट एज लाइक दिस. एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस वन, अपर लिमिट पुट करेंगे टू. अगर इंटीग्रेशन पता नहीं होता तो इसका, अगर एरिया फाइंड आउट करना होता तो बहुत मुश्किल आती है, और एक्यूरेट फाइंड आउट करना बिना इंटीग्रेशन के तो इम्पॉसिबल है. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन को इंटीग्रेट करेंगे, दैट विल गिव अस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स, सो एट बाई थ्री प्लस टू, अपर लिमिट हो गया, and lower limit is minus 1 by 3 minus 1, 14 by 3 minus or plus 4 by 3, 18 by 3 area or 6. और approximately अगर verify करना चाहे तो can verify like this, कि minimum area कितना हो सकता है ये वाला rectangle. So यहाँ पे value होगी one, y की value होगी one, जब x zero है तो y one. तो इसका area, नीचे वाला जो area है इसकी value आ रही है three into one, that is three. और अगर maximum bound area निकालना चाहे तो two पे value आ जाएगी इसकी five, तो ये वाला five है. So five into three maximum area 15 होना चाहिए, so 3 और 15 के बीच में कहीं होना चाहिए. सो आवर आंसर 6 इज करेक्ट. सो इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है दैट गिव्स यू एरिया अंडर द ग्राफ. ओके, नोट दिस डाउन, इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द ग्राफ. Differentiation gives slope of the graph. Vaishnavi, tell me the integration first. X cube upon 3 plus 1. X cube plus x square plus x. This will be the integration. x cube by 3, 3, 3 cancel out हो जाएगा, x square by 2, 2, 2 cancel out हो जाएगा, 1 का integration is x. Okay? Integration clear है? Sir, I copied the question wrong. Okay.
So then we'll put the upper limit. 3 3s are 9, 27 plus 9 plus 3. 45 आ रहा है क्या आंसर? यस सर। ओके सपोज वी हैव अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. साइन एक्स का ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट वॉज लाइक दिस. सो लेट अस से यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन. 0 से पाई तक का रीजन, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. सो दिस एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स फ्रॉम 0 to π. एंड सपोज ये एरिया ए वन है और ये एरिया भी फाइंड आउट करना है ए टू. सो ए टू की वैल्यू लिख सकते हैं ए टू इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स. ग्राफ साइन एक्स का है फ्रॉम पाई टू 2π. फाइंड बोथ ऑफ दिस वैल्यूज एंड टेल मी द रिजल्ट. दिस इज ए वन एंड ए टू इज दिस रीजन एक्स एक्सिस के नीचे वाला. दिखने में तो दोनों एरिया इक्वल ही लग रहे हैं, बट लेट अस सी इंटीग्रेशन से क्या रिजल्ट आता है. कुशाग्र कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस एरिया? सर आई डिडंट गेट इट येट। अच्छा सी इंटीग्रेशन तो कर लिया था. नहीं स्टार्टिंग में मिस कर दिया था ना क्लास. पहले इंटीग्रेशन करना है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स. फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है. भारवी व्हाट इज द वैल्यू? सर फर्स्ट का माइनस टू आया। फर्स्ट का -2 आ रहा है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आएगा क्या? सो दिस विल बी माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0. सो कॉस पाई कितना होता है? दैट इज -1. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एंड कॉस 0 विल बी 1. माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0 होगा ना। हाँ सर। माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस पाई तो माइनस जीरो वन. हाँ माइनस. ओके तो ये +1 हो जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा. फिर माइनस साइन को ही बाहर ले लेते हैं. सो +2 आ जाएगा इसका एरिया. सो ए टू की वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाए सो दिस विल बी अगेन माइनस कॉस ऑफ एक्स फ्रॉम पाई टू 2π. सो माइनस कॉस ऑफ 2π माइनस कॉस ऑफ पाई. कॉस ऑफ 2π हो जाएगा 1. कॉस ऑफ पाई हो जाएगा -1. दिस विल बी -2. तो सी एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ जा रहा है, बट एक्स एक्सिस के अगर बिलो हो एरिया सो इट विल गिव यू नेगेटिव. सो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज कमिंग कम्स एज नेगेटिव. एरिया बिलो एक्स एक्सिस कम्स एज नेगेटिव और हैज नेगेटिव वैल्यू.
This thing you have to remember. And area above x-axis is taken as positive. So area above the x-axis have positive value. So suppose total calculate karte hai na, from 0 to 2 pi. 0 to 2 pi calculate karte hai agar area. So of course a1 plus a2 aana chahiye. So sin x ko integrate here from 0 to 2 pi. So that will be cos of x from 0 to 2 pi. So iski value 0 aayegi. This positive area or negative area milke, it will give you the resultant as 0. So this is what it means by integration. Integration means area under the graph. So two vectors A and B. And resultant will be like this. So this angle is alpha, this angle is beta. If you visualize this, this just think of ki resultant same hai. Or means agar A or B equal hai, to alpha or beta equal honge. Okay. And agar tan alpha ka relation likhe, so tan alpha comes out to be b sin theta upon a plus b cos theta. We want to know if alpha is greater or beta is greater. So we can write it like this. अगर मैंने a वेक्टर को सपोज इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज योर a वेक्टर और b वेक्टर ऐसा है, अगर मैंने a वेक्टर को इंक्रीज कर दिया, a डैश लिखते हैं और b वेक्टर अभी भी वैसा ही है, सो कैन यू सी a वेक्टर को इंक्रीज किया तो अल्फा की वैल्यू कम हो गई. पहले अल्फा ये पूरा था, अभी अल्फा कम हो गया, right? Yes sir. Okay, similarly b ke liye dekh sakte hain, visualize is like this, a vector hai aur ye b vector, so ye resultant hai. Resultant ka b vector se jo angle ban raha tha, that is beta. Agar maine b vector ki length increase kar di to resultant ab aisa hone laga, to resultant से जो एंगल बन रहा है वो कम हो गया फिर. ठीक है, क्लियर है निर्मित? यस सर. ओके, तो आंसर क्या होगा उसका? सो अल्फा इज लेस देन बीटा if a is greater than b. इसको दूसरे वे में ऐसे कर सकते हैं कि you can take a and b और दोनों को perpendicular कर दिया. So this is your angle alpha and this is your angle beta. अभी अगर दोनों का साइड इक्वल रखा है, so this angle will be 45 degree. But अगर सपोज a को बड़ा कर दिया, a को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, so angle becomes, b को सेम रखा है, so angle becomes less than 45. और alpha becomes less than 45 and beta becomes greater than 45.
So alpha is less than beta if A is greater than B. So C option होगा इसको. This was question number one. Moving on to question number two. It is given that mod of A plus B is equal to mod of A minus B. इसको दो मेथड से कर सकते हैं. अगेन सी वेक्टर्स में एक विजुअलाइजेशन मेथड होता है. अगर वेक्टर्स को विजुअलाइज कर पाए तो इट गिव्स यू अ शॉर्टकट. और ये सीखना है, विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखना है. ऐसे और भाई क्वेश्चंस में इसलिए डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि विजुअलाइजेशन करना होता है. विजुअलाइज कर लिया तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा. सो फर्स्ट मेथड जो है इसमें सीधे सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं. So this will be root over a square plus b square plus 2ab cos theta. तो अगर a vector और b vector के बीच का angle let us suppose theta है, so a vector और minus b vector के बीच का angle क्या हो जाएगा? Pi minus theta. This will be pi minus theta. So cos of pi minus theta ये हो जाएगा minus cos theta. तो मैं अपने फॉर्मूले में इसको लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ a माइनस बी को लिख सकता हूँ a स्क्वेयर b की जगह माइनस b का स्क्वेयर प्लस 2 a इंटू नहीं मैग्नीट्यूड तो b ही होगा, मैग्नीट्यूड लिखना है 2ab इंटू cos ऑफ pi माइनस theta, दैट इज माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. यहां से सॉल्व वगैरह करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे पहले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab, यहां से फिर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी. सो मिस थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है. ये रिलेशन आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा पाई बाय 2. सर बट आपने वो क्यों लिखा root of a square plus b square plus 2ab cos theta? क्योंकि यहाँ पे mod दिया हुआ है, mod of a plus b. mod मतलब magnitude. दो vectors को add करके magnitude निकालना. ठीक है? इसको solve करने के बाद आएगा ये. Clear है इस step? mod of a plus b की value ये क्यों लिखा गया है? सर फिर mod of a minus b का. हाँ तो a और b के बीच का एंगल थीटा लिया, तो a और माइनस b के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा. तो मुझे तो LHS और RHS का सेम में लिखना. हाँ बिकॉज ये रिलेशन गिवन है ना, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके सर. So theta pi by 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A में भी null vector, B में भी null vector, A में भी perpendicular to B. तो C ऑप्शन करेक्ट है and D possible नहीं है. And A में भी null vector. Null vector means zero vector ना? DPP2. टू का ऑप्शन सी होना चाहिए. अच्छा नॉट ट्रू लिखा हुआ है. तो ए नल वेक्टर हो सकता है, अगर ए की वैल्यू ही जीरो होगी तब तो मॉड ऑफ बी माइनस बी के इक्वल हो जाएगा. And B may be null vector. अच्छा first और two option में कोई doubt तो नहीं? A null vector हो सकता है ना? Null vector में zero vector. See अगर mod of B zero हो जाए, तो we can write A plus zero is equal to A minus zero. ये तो true हो जाए.
फर्स्ट थ्री ऑप्शन करेक्ट है, तो नॉट ट्रू हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। सर ए वाला भी करेक्ट है ना? हाँ ए वाला भी करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, तो पूछा गया कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है, तो डी ऑप्शन होगा। अच्छा इसको विजुअलाइजेशन से करना हो तो पहला दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है ही, बिकॉज जीरो ऐड करना है तो मॉड तो हमेशा इक्वल होगा। बट थिंक ऑफ इट लाइक दिस सेकेंड मेथड, कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ए को बी से ऐड किया तो ए प्लस बी आ जाएगा, ए को माइनस बी से ऐड किया तो ए माइनस बी आ जाएगा। मुझे इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल दिया हुआ है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, है ना? तो ये तभी पॉसिबल है जब बी परपेंडिकुलर हो जाए ए के, जब ऐसा केस हो जाए जब ये वाला बी वेक्टर हो जाए और ये वाला माइनस बी वेक्टर हो जाए, तभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। ए प्लस बी वाला ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब ये 90 डिग्री हो, नहीं तो सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं हो सकते। बेस इक्वल है एंड दो साइड्स इक्वल है, ये बेस इक्वल हो जाए, ये दो साइड्स इक्वल हो गए, बट मुझे थर्ड वाला साइड भी इक्वल चाहिए, मुझे सिमिलर ट्राइंगल चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब 90 डिग्री हो एंगल। ओके सो या तो 90 डिग्री हो या तो दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, या दोनों जीरो हो जाए तो भी ये ट्रू होल्ड करेगा। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर टू। देन थर्ड इज रिजल्टेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू जीरो। अच्छा हमने पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में अगर तीन वेक्टर्स हैं लाइक दिस ए बी और सी, अगर तीन वेक्टर्स हैं और तीनों का सम अगर जीरो करना है तो तीनों ट्रायंगल के साइड्स जैसे होने चाहिए, ठीक है? और अगर तीन नंबर्स दिए और ट्रायंगल बनाने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, किसी भी दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। दिस मस्ट होल्ड। तो अगर फर्स्ट नंबर देखे तो 10 10 30 है, मीन्स 10 और 10 को ऐड भी कर दिया जाए, ये कंडीशन तो पहले ही फॉलो नहीं हो रही, 10 और 10 इज नॉट ग्रेटर देन 30। और अगर ऑब्जर्व करना चाहे तो 10 और 10 को ऐड किया देन वी आर गेटिंग ओनली 20, और इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया तो वी आर गेटिंग माइनस 10। सो फर्स्ट वाले केस में पॉसिबल नहीं है, देन मे बी इक्वल टू जीरो, 10 20 30 40। सो 10 20 30 से अगर तीनों को मिला भी दिया जाए तो द रिजल्टेंट विल बी 10 20 30 को अगर मिला दिया जाए, सो यू कैन गेट द वैल्यू एज 10 20 30 को एड अप कर दिया जाए, सो मैक्सिमम वैल्यू यू कैन गेट इज 50, और दूसरे साइड द वैल्यू इज 40। So 50 अगर तीनों को ऐड करके 50 मिल सकता है तो 50 से कम भी ले सकते हैं, 50 से कम कैसे ले सकते हैं, 30 वाले को किसी एंगल पे रख दिया तो ये साइड फिर 40 हो सकता है। सो ऐसे हम 40 और 40 कैंसल आउट कर सकते हैं कि मिनिमम तीन को ऐड करके वी कैन
add up them to 40 newton. और क्योंकि चार फोर्सेस है तो इसको दूसरे में भी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं. चार फोर्सेस का सम अगर जीरो आ रहा है सो मीन्स चार वेक्टर्स का सम जीरो होना चाहिए. ए बी सी डी. तो ये चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल बन सकता है या नहीं. सो क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए ये श्योर होना जरूरी है कि ये श्योर होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी जो स्मॉलर साइड्स है उनका सम बिगर साइड से बड़ा होना चाहिए. अगर छोटा हुआ तो क्या होगा, मिस ए बी सी ऐसे ही रह जाएगा, फिर छोटा ही रह जाएगा और ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट नहीं होगा. तो स्मॉलर तीन वाले का सम बिगर वाले से बड़ा होना चाहिए. सो 10, 20, 30, इट शुड बी ग्रेटर देन 40 एंड इट इज हियर, इट इज बिगर हियर. तो सेकेंड वाला केस पॉसिबल है. अगर थर्ड वाला देखे तो 5, 10, 20, 40 है. तो 5, 10, 20, 40 से क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते. 5, 10, 20 ऐड भी कर दिया तो रिजल्टेंट आएगा इसका 35 और दूसरा साइड 40 न्यूटन लगा दिया सो ये कैंसल आउट नहीं होगा, है ना. बस यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट ग्रेटर दैन डी, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही. 20 प्लस 10 प्लस 5 इज नॉट ग्रेटर दैन 40. सो चार अगर तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं तो ट्राइंगल में तीनों साइड का सम जीरो होना चाहिए. मीन्स तीनों वेक्टर्स का सम जीरो होना चाहिए. चार साइड्स में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जीरो होना चाहिए. उसके लिए तीन छोटे साइड का जो सम है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन द बिगेस्ट साइड, तभी क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल है, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. 10, 20, 30, 40 से कम, 40 से ज्यादा है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. इन क्वेश्चन को कई बार रिपीट करना होगा, सॉल्व करना होगा, तब जाके क्लैरिटी आएगी. मीन्स ये प्योर ऐसा नहीं कि हाँ फॉर्मूला गिवन था तो सॉल्व हो जाएगा. और डीमोटिवेट भी नहीं होने कि अच्छा पहली बार में समझ में नहीं आया तो ट्राई नहीं करेंगे. मीन्स ऐसा एफर्ट करना है कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए, देन इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं दैट विल बी क्लियर टू यू. एंड ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना कि यू हैव टू रिपीट इट, खुद से दोबारा सॉल्व करना होगा एंड देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ इट. बहुत सारे नए मेथड्स हम सीखेंगे डीपीपी और एससीवी सॉल्व करते हुए, नए मेथड्स सीखेंगे. एंड दोस न्यू मेथड्स दैट विल हेल्प यू enhance your brain, develop your brain and prepare it for the JEE exam. Okay, is question, ye wala question clear hua Nirmit? Yes sir. Okay, iske baad question 4 ka answer 150 hai na, 150 joules 15 to ha 150 hai. I think इसके answers correct थे होगा. Okay sir. Then question 5. अच्छा normal मतलब perpendicular. Perpendicular मतलब dot product zero होना चाहिए. So dot product zero होना चाहिए. That is what we are going to check. तो पहला vector मेरा given है a cos theta a sin theta. एंड फर्स्ट वाले के लिए चेक करते हैं, लेट अस से फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. बी वेक्टर इज बी कॉस थीटा बी साइन थीटा. सो अगर मैं ए डॉट बी कैलकुलेट करता हूँ, सी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी जीरो आता है बिकॉज ए बी, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, है ना. ए डॉट बी जीरो आना चाहिए बिकॉज कॉस थीटा जीरो होता है, थीटा 90 होता है. सो इफ थीटा इज 90, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90,
दैट मीन्स ए डॉट बी जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन याद रख लेनी, ए डॉट बी जीरो होगा तो थीटा 90 होगा, या थीटा 90 होगा तो ए डॉट बी जीरो होगा। ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे तो आई डॉट आई वन होता है, दिस विल बी ए बी कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी ए बी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो जीरो नहीं आ रहा। सेकेंड वाले में ए डॉट बी कितना आएगा, रिपीट टेल मी, फिफ्थ का बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, या दैट विल गिव यू टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, या तो ये भी जीरो नहीं होगा। थर्ड वाला चेक करते हैं, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये जीरो आ जा रहे। हाँ सर, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा सर। ओके, इसके बाद कौन सा डाउट है? क्वेश्चन सिक्स, a dot b equals to a cross b, then angle theta between vector a and b is. So see, basic formula use karna hai, dono ko formula pata hai hamein. a dot b kya hota hai? a b cos theta. Aur mod of a cross b kya ho jayega? a b sin theta. Ye dono equal hai. Yahan se tan theta 1 aa jayega. tan theta 1 आ जाएगा, या तो tan theta 1 आ जाए। अच्छा, इसको इक्वेशन सॉल्व करना है ना, हम मैथमेटिकल वे यूज करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो होना चाहिए। एक और स्टेप लिख लेते हैं, अभी मैथमेटिक्स में इक्वेशंस नहीं आया होगा, सो लेट अस राइट इट लाइक दिस, ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा, ये जीरो होना चाहिए। तो कैंसल आउट नहीं करना है, बिकॉज ए और बी भी जीरो हो सकते हैं, सो ए बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो ये पॉसिबल है, या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए या तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो हो जाए। सो दिस इज व्हेन कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, दैट इज tan theta equals to 1. So, तो एंगल कितना होना चाहिए? पाई बाई फोर हो सकता है, दैट्स इट। क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay. Then, आगे कौन कौन से सॉल्व किए, कौन कौन से डाउट है? क्वेश्चन टेन, क्वेश्चन टेन, सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, देन द फोर्स आर, अच्छा रिजल्टेंट 8 है एंड दोनों का मैग्नीट्यूड का सम 16 है। So let us say pehla force is F1 and dusra force is F2. So F1 plus F2 ka jo magnitude ka sum hai, that is given to us as 16. Aur
दोनों फोर्सेस को ऐड किया सो दैट इज कमिंग एज 8 न्यूटन. And also given that its direction is resultant ka direction perpendicular hai minimum force ke. So let us say F1 kam wala force hai, F2 zyada wala force hai. To ye F1 ho gaya aur resultant jo hai wo perpendicular hai. This is F resultant. So F1 plus F2 is F resultant. So we can write from here, F resultant is equal to F1 plus F2. We can draw it like this. Ki F1 or F2 ko draw kiya, to FR aa jaye. Aur resultant force is given as perpendicular to the minimum force. Ye diagram clear hai? Yes, sir. Okay. So F1 plus F2, ye 8 diya hua hai. And ये 8 दिया हुआ है एंड F1 और F2 इसका 16 है. सपोज ये x ले लिया तो ये 16 - x हो गया. तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे एक ट्राइंगल है हमारे पास, दिस इज 8, दिस इज x, दिस इज 16 - x, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ये 90 degree है. अच्छा एक और ट्रिक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से. 16 - x² इज इक्वल टू x² + 64 8 का स्क्वायर. और एक और ट्रिक है, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एक क्लियर कट नंबर दिख रहा है हमें, यहाँ पे 8 दिख रहा है हमें, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले नंबर से. लेट अस सी वर्क करता है कि नहीं. सपोज 4 3 3 4 5 वाला ट्राइंगल ले लिया. अगर 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इनका डबल भी कर दिया जाए तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे. सो 4 का डबल किया तो 8, 3 का डबल किया तो 6, 5 का डबल किया तो 10. एंड लेट अस से जस्ट चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या. 8 यहाँ पे आ रहे और इन दोनों का सम 16 आ रहा है. तो ये हमारे फोर्सेस हो गए. कम वाला फोर्स 6 न्यूटन हो गया, ज्यादा वाला फोर्स 10 न्यूटन हो गया. तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज जस्ट अ ट्रिक, है ना. अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल एक साइड का नंबर पता है हमें, सो वी कैन से दैट कि हाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकते हैं. ध्यान रखना, अगर 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसका डबल भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा. 6 8 10, देन 9 12 15, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे. नहीं तो फिर एक्स को सॉल्व किया तो भी रिजल्ट आएगा, सेम ही वैल्यू आएगी. इसमें कोई डाउट? नो सर. सो ए ऑप्शन हो जाएगा, 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. ओके, उसके बाद 11th फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. अच्छा, 2 पॉइंट्स दिए हुए. सो सी, फोर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं. पहले आई विल डिफाइन द वर्क. सो वर्क इज रिटन लाइक दिस. वर्क इज एफ डॉट डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन. दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. सो फाइनल माइनस इनिशियल करना है. सो 10 - 6 विल बी 4 आई का, एंड -2 - 5 दैट विल बी -7 जे का, and 7 - -3 that is 10 k kya. Fir force se dot product karte hain. So force diya hua hai, isko multiply karte hain, hai na, displacement se. So 10 into 4 that will be 40,
then minus 3 into minus 7 plus 21, then 6 into 10, 60. So 121 joules. Clear हुआ ये? Okay. So change in position को हम कहते हैं displacement. Kinematics में अच्छे से पढ़ेंगे इसको. Okay. और कोई question? ठीक है सारे ट्वेल्थ पी क्यू आर है मैग्नीट्यूड 5, 12, 13. अच्छा 5, 12, 13 क्लियरली दिख रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे सबसे पहले तो पी क्यू आर बाद में लिख लेंगे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ही बना देते हैं सो 5, 12, 13 एक साइड बना देते हैं 5, 12, 13. उसके बाद लिखा हुआ है P plus Q equals to R. तो P plus Q equals to R. R सबसे बड़ा वाला साइड है तो ये R लिख देते हैं ये R वेक्टर हो जाएगा और P plus Q P 12 है P 5 है तो फिर मुझे थोड़ा डिफरेंट बनाना पड़ेगा P is 5. So, इसको ऐसे बनाते हैं दिस इज आर वेक्टर दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज क्यू वेक्टर तो यहां पे थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा पी क्यू आर अगर उल्टा बनाते हैं मैं पी को इधर लेते तो पी की वैल्यू 12 आती जो दैट विल नॉट बी द केस एक बार ये ट्राइंगल बन गया देन दे हैव आस्क्ड द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर सो क्यू एंड आर के बीच का एंगल दैट इज दिस एंगल है ना दोनों के टेल को आगे बढ़ा भी दिया तो यही एंगल रहेगा थीटा सो दे हैव आस्क्ड कॉस वाला थीटा सो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13 cos inverse 12/13 ठीक है तो ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें एंड मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन दिया है यू आस्क इट आस्क इन डाउट्स